नमस्कार, मैं वैभव और क्राइम शो के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। अक्सर बंदूक की गोली खुशियां छीनने का काम करती है और फूलों की माला खुशियां बिखेरने का, लेकिन इस शख्स के एक हाथ में बंदूक है और दूसरे हाथ में फूलों की माला। आखिर माजरा क्या है, आइए देखते हैं। कितने दिनों बाद खाना खा के आए ना बाहर? हाँ वाकई। So tired, थक गई हूँ आज तुम्हें बहुत ज्यादा। यार मैं सोच रहा था कि हफ्ते में एक दिन तो बाहर खाना चाहिए। पक्का? हाँ ऑफ कोर्स। ठीक है, प्रॉमिस। हाँ या ऑफ कोर्स, आई प्रॉमिस। कितने अच्छे हो तुम। कौन है अभी? लो, बच पड़ी मेरी सौतन बीच में। अरे देखने तो दो कौन है। ओहो, हेलो चाचा, नमस्ते। नमस्ते चाचा, आज कैसे याद किया? आगरा आना है मुझे। अरे हाँ, घूमने के लिए। अरे कोई बात नहीं, तुम्हारे चाचा का घर है, आ जाओ। ठीक है चाचा, तो मैं यहाँ से निकलता हूँ। हाँ हाँ ठीक है। क्या कह रहा था सोनू? कह रहा था कि उसको आगरे का ताजमहल देखना है, दो दिन घूमना फिरना है। तो आपने हाँ कर दी होगी। अरे हाँ। अरे देखो सोनू ना बहुत अच्छा लड़का है और दो चार दिन की बात है, चला जाएगा और तुम उसकी कंपनी बहुत अच्छे से एंजॉय करोगी। अच्छा देखो, अभी बने बनाए मूड को खराब मत करो, अभी चलो। This is done. आप? नहीं, काम वाली बाई। तो आपको किसने रखा है यहाँ पर? वो मेम साहब ने। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले ही ज्वाइन किया है मैंने। अच्छा ठीक है, चलेगा, कर लो काम। अच्छा सुनिए, मुझे ना आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलिए। ओ मेम साहब से कह दीजिए ना कि हमारा पगार बढ़ा दें। हमेशा इतना काम करवाती हैं और पगार उतने का उतना ही। हाँ तो ठीक है, कितना चाहिए तुम्हें? वो आपके हिसाब से कर दीजिए ना, लेकिन मेम साहब बहुत कम पगार देती हैं। कितना दे रही है? वो हम क्या बताएं, हमको बोलने को भी शर्म आ रहा है। अरे तुम बताओगी तो फिर मैं पगार बढ़ाऊंगा ना। वो क्या है ना, हम जो पिछले बार जिसके यहाँ काम करते थे ना, उन्होंने भी ऐसे ही बोला, लेकिन हमको घर से निकाल दिया, पगार भी नहीं दिया। अरे लेकिन हम दे देंगे, बोलो। मेम साहब हमको बस 5,000 देती हैं महीने का। कितना चाहिए तुम्हें और फिर? कम से कम 15-20 तो चाहिए। 15-20? तुम पागल हो गई हो क्या? हम पागल नहीं हुए हैं, आप इतना घर का काम करवाते हैं, आप नहीं करवाते हैं, वो मालकिन करवाती हैं। झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, कपड़े धो और वॉशिंग मशीन यूज करने नहीं देती। अरे देखो देखो, सुनो सुनो, हम 10 दे देंगे तुम्हें। नहीं, 10 से काम नहीं चलेगा, हमको 15 का 15 चाहिए, नहीं तो अभी हम यहाँ से भी छोड़ के चले जाएंगे। अरे रुको, तुम सुनो बात, मेम साहब ने अगर तुम्हें रखा है 5,000 में, अगर तुम्हें 15 दे दूंगा तो मेरी जान ले लेगी वो, कौन बचाएगा उससे? मेम साहब को कुछ नहीं बोलना। अरे लेकिन मेरा हिसाब किताब तो उसे देना पड़ेगा। वो आप जानिए, हमको नहीं। अच्छा ठीक है, 12 दे दूं? नहीं। अरे अच्छा सुनो, तुम अभी ज्वाइन की हो ना, ठीक है? हाँ। तो 3 महीने काम कर लो, उसके बाद हम 15 कर देंगे, अभी फिलहाल 12 ले लो। 3 महीने कहाँ, फोकट में काम करें। हाँ अरे फोकट में कहाँ, हम तुमको 12 तो दे रहे हैं। नहीं, 15 से 1 भी रुपया कम नहीं चलेगा। अरे देखो अभी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बस 12 में कर लो 3 महीने के लिए। अब ठीक है? पक्का? हाँ, पक्का पक्का पक्का।
कर देंगे हम। ठीक है बहुत बढ़िया। नाम क्या है तुम्हारा? सुमन। बहुत बढ़िया, काम पे लग जाओ तुम। और हम 12 देंगे, 3 महीने के बाद हम बढ़ाकर 15 कर देंगे, ठीक है? झूठ नहीं होना चाहिए। अरे बिल्कुल झूठ नहीं, कसम से, मेम साहब की कसम। ठीक है हाँ। चलो काम करो। मेम साहब मर जाएगी। अरे नहीं मरेगी, हम झूठी कसम थोड़ी खाएंगे। चलो करो। ठीक है। चाची तो बड़ी सुंदर है। क्या बात है, झाड़ू लगा रही है। चाची क्या कर रही थी? हाँ इधर उधर ध्यान कम दे और काम कर जाके। चाची आप चाची है? गलती से मैंने वो कुछ और ही समझ लिया। देख क्या रही है खड़ी होके, जाके सफाई कर। सोनू। जी जी। काम वालियों को ज्यादा सिर पे नहीं चढ़ाते, चलो आओ अंदर। जी चाची। आ जाओ, अब ऐसे क्या देख रहे हो? जी चाची। आई एम सॉरी, आज सुबह के लिए आई एम रियली रियली सॉरी। कोई बात नहीं। अरे वो गलती से मैंने आपको चाची समझ लिया, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। कोई बात नहीं, गलती होती है। मुझे नहीं पता था कि इसके लिए चाची डांट देंगी। वो चाची की बातों का बुरा मत मानिएगा ज्यादा। होता ही रहता है ऐसा, तो वो तो घर की मालकिन है। अब वैसे आप हो कहाँ से? मैं लखनऊ का हूँ, यहाँ पर चाचा के पास आया हूँ। अच्छा, वैसे कितने दिन रुकने वाले हो आप? ज़्यादा दिन नहीं रुकूँगा, क्योंकि मुझे बस ताजमहल देखना था। तो मैं चाह रहा था कि चाचा जी मुझे दिखा देते, इसके लिए यहाँ पे रुकने आ गया। वो एक्चुअली छुट्टी चल रही है ना मेरे कॉलेज की। मुझे अच्छा लगा आपने सॉरी बोला के। ऐसा लगा कि किसी को तो मेरी फिक्र है। सुमन सुमन अरे कहाँ मर गई? हाँ ठीक है। तुम भी ना यार, इतनी खूबसूरत अगर काम वाली रखोगी तो धोखा तो किसी को भी हो जाएगा, नहीं? ओ अच्छा जी, तुम्हें कितनी बार ऐसा हुआ है? हाँ मुझे कभी नहीं। आज मैं दिखाती हूँ सच्चा प्यार किसे कहते हैं। यार ये फोन, एक मिनट देखने दो। हेलो। ये फोन भी हमेशा गलत टाइम पे आता है। अरे हाँ बोलो। क्या? अच्छा हाँ ओके। हाँ? ठीक है आता हूँ।
फिर चला गया। मेरी बेडरूम लाइफ की तो किसी को परवाह ही नहीं है। आने दो इनको, आज बताती हूँ। कोमल सुरेश से सिर्फ अपने लिए वक्त चाह रही थी, मगर सुरेश के पास उसको देने के लिए वक्त ही नहीं था। सुरेश उसको सब कुछ दे रहा था, लेकिन प्यार और वक्त नहीं दे पा रहा था। क्या सुरेश की कमी पूरी करने के लिए कोमल किसी और की तरफ अट्रैक्ट होगी? आइए देखते हैं आगे की स्टोरी में। चाची, चाची को बाथरूम में पानी नहीं आ रहा। चाची बाथरूम में पानी नहीं आ रहा। क्या कह रहे थे तुम? बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है। मैं देखती हूँ। हाँ। तुम्हारे चाचा को कितनी बार बोला है कि ये ढंग का प्लम्बर लाके ये सब नल ठीक करवा दे, लेकिन नहीं सुनते ही नहीं। अरे पानी आ गया। ऐसे दूर दूर से वीडियो क्यों बना रहे हो? वीडियो तो नहीं बना रहा था मैं। अच्छा। हाँ। कितनी सफाई से झूठ बोलते हो ना। कुछ नहीं, बस ऐसी। अच्छा, दूर से वीडियो बनाने की क्या जरूरत है जब मैं तुम्हारे इतने करीब हूँ? क्या करियो तुम ये? अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ। हाँ,
और कल से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, अब से ऐसा कुछ नहीं होगा, प्लीज माफ कर दीजिए। तुमने सुना नहीं, निकल जाओ यहाँ से। और तुम, शर्म नहीं आती तुम्हें एक काम वाली के साथ ऐसा कुछ करते हुए? चाची माफ कर दीजिए चाची, चाचा जी को मत बताइएगा चाची, प्लीज माफ कर दीजिए चाची, ये सब बातें हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए, प्लीज चाची मान जाइए चाची, प्लीज प्लीज चाची। अच्छा चलो ठीक है, अपना अधूरा मैच पूरा करो, लेकिन एक नए खिलाड़ी के साथ। मैं कुछ समझा नहीं। इतने भोले भी नहीं हो तुम। चाची जी, हाँ? आप काफी थकी हुई लग रही हैं। हाँ, थक तो गई हूँ। ये लीजिए गर्मा गर्म दूध, इससे थकान मिट जाएगी। थैंक यू। पीजिए ना, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा बनाया, आओ ना बैठो। हाँ चाची। अच्छा चाची जी, आपके पैर दबा दूं क्या? हाँ, आर यू श्योर? यस आई एम डैम श्योर। ठीक है। अच्छा चाची जी, एक बात बोलूं आपसे? चाचा जी आपका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते, मैं देखता रहता हूं वो आपसे काम करवाते रहते हैं, लेकिन वो आपको प्यार नहीं दे पाते। वाह सोनू, तेरे हाथों में तो जादू है। हाँ चाची जी, तू सच कहता है, तेरे चाचा जी बिल्कुल ख्याल नहीं रखते मेरा, और उनको तो इस तरह की मसाज भी नहीं आती। अच्छा, मुझे और भी कई तरीके की मसाजेस आती हैं, शोल्डर मसाज करूं? हाँ हाँ। अच्छा चाची जी, मैं चंपी भी बहुत अच्छी कर लेता हूँ, वो भी करूं? हाँ। अच्छा चाची जी, एक बात बताऊं, मैं आपको प्यार भी बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। तो करो ना, रोका किसने?
आखिर मोनू और कोमल के नाजायज रिश्ते का सच जानने के बाद भी सूरज खामोश क्यों था? क्या वो किसी बड़े प्लान की तैयारी में था? आइए देखते हैं आगे की स्टोरी में। चाचा जी, सुरेश तुम नहीं, हाँ नहीं। चाचा जी ये कर रहे हैं? भतीजे नहीं। क्या इश्क चल रहा है? सुरेश प्लीज, कुछ भी उल्टा पुल्टा सोचने से पहले एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज। चुप हो जाओ। हाँ। सफाई देने की कोशिश मत कर। नहीं। ले पकड़ ये माला, माला पकड़ पकड़ इसे। सुरेश ये तुम क्या करवा रहे हो? तुम दोनों के प्यार पे मैं शादी की मोहर लगाना चाहता हूँ। एक दूसरे को माला पहनाओ। सुरेश नहीं, ऐसा क्यों कर रहे हो? मुहूर्त बीता जा रहा है, जल्दी एक दूसरे को माला पहनाओ। चाचा जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं अब चुप रहे। पहनाओ, पहनाओ, चल प्लीज चाचा जी माफ कर दीजिए। पहना जल्दी, चल पहना। हो गई शादी। चाचा जी छोड़ दो बंदूक, छोड़ इसका, छोड़ मेरे हाथ को, छोड़ बंदूक, छोड़। शूट हिम कोमल, शूट हिम, मार डालो इसे, फिर हम अपनी अच्छी सी एक नई दुनिया बसाएंगे। हाँ मुझ पे गोली चलाएगी तू, मुझ पे गोली चलाएगी तू। ये क्या कर रही हो कोमल? मैं तुम्हारा प्यार हूँ ना कोमल, मार दे इसे। नहीं कोमल, जैसे हमारे प्यार में दरार आई है। नहीं मार इसे। नहीं कोमल, नहीं नहीं प्लीज। सॉरी सुरेश, सॉरी माय यंग लव सोनू, तुम दोनों माफ कर दो, क्योंकि अगर मैं तुम दोनों में से किसी एक को भी जिंदा रखती तो पूरी जिंदगी बेवफाई के ताने सुनने पड़ते, इसलिए तुम दोनों को मारना पड़ा। हाँ हेलो पुलिस, मैं जीवन नगर के सनशाइन बंगलो से कोमल बात कर रही हूँ, बंगलो नंबर 402। सर यहाँ पर चाचा भतीजा ने दोनों ने एक दूसरे को गोली मार दी है, प्लीज आप जल्दी आ जाइए। हाँ ठीक है। तो देखा आपने, कोई भी इंसान अगर शैतान का रूप धारण कर ले तो उसके लिए कोई रिश्ते नाते मायने नहीं रखते। कोमल ने जो कुछ भी किया उसके लिए उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। असल में किसी भी गलत रिश्ते की शुरुआत शुरू में तो बहुत आनंद देती है, लेकिन उसका अंत हमेशा डरावना होता है, और मोनू के साथ भी यही हुआ। आज के एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।